अच्छा, तो अब आ जाओ 3.2 पे। 3.2 का जो मेजर टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब ये टॉपिक आपको एमसीक्यूज में पढ़ने की जरूरत नहीं है सच। उसकी रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप आसानी से कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसी तरह मैं आप लोगों को अब ये नहीं सिखाऊंगा मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, क्योंकि जब आपके पास कैलकुलेटर है तो मिड टर्म ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक इक्वेशन बस बता दूंगा, बाकी आप 3.4 अपनी रिवाइज कर लो। उसमें तकरीबन चार किस्म की मिड टर्म ब्रेक की इक्वेशंस आती हैं। वो 3.4 जब आप सॉल्व कर लोगे आपको सब समझ आ जाएगा कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह करनी है, चारों केसेस में क्या क्या मसले होंगे और किस तरह आप सॉल्व करोगे उसको। तो मैं बस बेसिक बात डिस्कस कर लेता हूं कि टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है, सर कैलकुलेटर टेस्ट में अलाउ नहीं होता ना यार ये सवाल। तुम लोग बार बार, मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया भाई, अलाउ होता है कैलकुलेटर। वो जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर लिखा हुआ है तुम लोगों का प्रोग्रामिंग नहीं है। कभी जिंदगी में तुम लोगों ने अपने कैलकुलेटर को प्रोग्रामिंग बोला है क्या? साइंटिफिक बोलते हुए आ रहे हो तो वो अलाउ है भाई। मैं बोल बोल के थक गया हूँ पूरे कोर्स के अंदर, कैलकुलेटर अलाउ है अलाउ है। तुम लोग पता नहीं क्या, ये जो द ब्रेन है ना थोड़ा इसको इस्तेमाल कर लो, ये फालतू के सवाल नहीं पूछा करो बिल्कुल भी। यार इतना टाइम नहीं है कि मैं चारों केसेस की एग्जांपल दूं, मैंने तभी रिकमेंड किया 3.4। मैंने अपने चैनल पे डिटेल से अपलोड की हुई है तो आप वहां जाके देख लो, आपका वो 3.4 क्लियर हो जाएगी पूरी। और अगर आपने वो कर ली तो फिर मिड टर्म ब्रेक करने का कोई मसला नहीं होगा, और मिड टर्म ब्रेक आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आपके पास जब कैलकुलेटर है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी सिचुएशन में पड़ गई तो वो 3.4 आप कर लो, आपको समझ आ जाएगा। वो चैनल पर पूरी डिटेल से अपलोड है हर क्वेश्चन उसका। सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसको सॉल्व करो, एंड पे एक्स की वैल्यूज निकालो। वो जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी उसको आप सॉल्यूशन बोलते हो, या आप उसको रूट्स भी बोलते हो। ठीक है, ये मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड होता है, जो सबसे इजी मेथड है, फैक्टराइजेशन। लेकिन ये मेथड की लिमिटेशन है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकती। इसका पहचानने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यूज में आपके पास रूट आ रहा है, या जिसकी वैल्यूज में आपके पास इमेजिनरी आ रहा है कोई नंबर, तो उसका मतलब वो फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो हर इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो इक्वेशन फैक्टराइज होती हैं वो हम इसी मेथड से करते हैं ताकि आसानी होती है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है जो आवाम में ज्यादातर मशहूर है, वो है मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, तो ये घबराना नहीं कि मिड टर्म ब्रेक कौन सा होता है, वो यही होता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में आप यही करते हो, फैक्टर की फॉर्म में एंड पे कन्वर्ट करते हो ना, तो उसके लिए मिड टर्म ब्रेक करोगे उसके बाद ही फैक्टर की फॉर्म में होगा ना। अच्छा, उसके बाद टू पे आ जाओ। दूसरा मेथड जो है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो आखिरी के दो मेथड है ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हो सकता है, चाहे उसके रूट इमेजिनरी हो, रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो। हर टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस मेथड से और अगले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है मुझे बताने की किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको समझ आ जाएगी कि ए बी सी यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहे हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उसको आप ए बोलोगे, जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसको बी बोलोगे, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको आप सी बोलोगे। और तीसरा मेथड जो है इसको आप कहते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर में कॉनिक सेक्शन में अगर आपको याद हो तो वो हमने मेथड किया था, एलिप्स या हाइपरबोला की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या पैराबोला आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर रहे होते हो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तरीका होता है बाकायदा, वो तरीका आपको 3.2 में मिल जाएगा, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये तीन मेथड है। मैं जरा एक बेसिक सी जो मिडिल टर्म ब्रेक है वो बता देता हूँ किस तरह आपने करना है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट जो है उसका जहन में रख लेना, कॉन्सेप्ट आ जाए तो जिस भी टाइप की इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम डिस्कस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो फैक्टराइज करने का मेथड ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वन,
उसको आप मल्टीप्लाई करो इस कॉन्स्टेंट टर्म से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 6 के बराबर होगा। आप इसको नोट कर लो। अब आपने 6 के फैक्टर बनाने, 6 के चार ही फैक्टर है, या तो 6 को आप इस तरह लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 6, या आप 6 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3, और किसी तरीके से आप 6 को ब्रेक नहीं कर सकते। अब इसमें से आप कौन सा यूज करोगे ये कैसे पता चलेगा, आप मिलर ड्रम पे आओगे। मिलर ड्रम यहां पे क्या है, -5 के बराबर है। मैं जस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, वेरिएबल को इग्नोर करता हूं। अब मुझे बताओ जो प्रोडक्ट है 6, ये प्रोडक्ट होता है और ये सम होता है, मतलब आपको ऐसे दो नंबर पिक करने होते हैं जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो और जिनका सम जो है वो इसके बराबर हो। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो यहां पे जरा देखते हैं, अगर 1 और 6 पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट तो 6 है इसका, लेकिन जब आप सम करोगे 1 और 6 का सम 7 के बराबर होता है, -5 आ ही नहीं सकता। इसी तरह 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, लेकिन अगर आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास 5 आएगा, -5 नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव साइन रखोगे तो आपको मकसद अचीव नहीं होगा। अब आप नेगेटिव साइन रख के देखो, -1 -6 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ओके है, लेकिन -1 और -6 को ऐड करोगे तो -7 आएगा, आपको क्या चाहिए, -5, छोड़ दो इसको, ठीक है। नीचे आ जाओ, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ रहा है, यहां पर बात ठीक है, -2 और -3 को ऐड करोगे तो -5 आएगा, इसका मतलब ये वाले फैक्टर जो है यहां पे ओके है। तो आप यहां पे लिखोगे एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल में नहीं, कोई मैटर नहीं करता, आप -2 -3 को पहले लिखो, बात एक ही होगी। आप कॉमन लेते हो, फिर उसके बाद इस फैक्टर में भी x माइनस टू, इस फैक्टर में भी x माइनस टू, आप कॉमन ले लेते हो, यहां से x आता है, यहां से -3 आता है, फिर दोनों को इक्वल टू 0 रखते हो, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हो। अब मैं इसका थोड़ा एक और चीज बता देता हूं कि लेट कर लो आपके पास ये चीज आ जाए, यही इक्वेशन हो, लेकिन अब वो -6 दे दें यहां पर। अब क्या होगा, अभी होगा कि आप 1 को मल्टीप्लाई करो -6 से, तो -6 प्रोडक्ट आ रहा है, सम आपको क्या चाहिए, -5 ही। बस चेंजिंग ये हुई है कि प्रोडक्ट अब नेगेटिव हो गया। अब वही बात है कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो दो सिचुएशन है, या आप एक ही बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव के बराबर होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, अगर आपने एक को नेगेटिव करना है एक को पॉजिटिव करना है, तो जरा इस सिचुएशन को हम देखते हैं। लेट कर लो मैं इसको नेगेटिव करता हूं, इसको पॉजिटिव करता हूं, लेकिन एक आसानी वाली बात है कि आप देखो साइन नेगेटिव जो है आ रहा है ना यहां पे, तो नेगेटिव उसी वक्त आएगा जब आप बड़े के साथ नेगेटिव लगाओगे, छोटे के साथ नेगेटिव लगाओगे तो जब आप एड करोगे तो वो नेगेटिव हट जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बड़े के साथ नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये तो होगा मसला। अब 1 को -6 से मल्टीप्लाई करो, -6 आ रहा है, लेकिन 1 को -6 में ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -5 आएगा। इसका मतलब इस जगह पे ये वाला फैक्टर जो है ये बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले आप ट्राई करके भी देखो नहीं आएगा। उसकी रीजन ये कि लेट कर लो आप किसी को नेगेटिव कर देते हो, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 तो होता है, लेकिन 2 और -3 को ऐड करोगे तो -1 आएगा, इसका मतलब ये यहां पर ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर यहां पर माइनस आ जाए तो फिर आप कौन से वाले फैक्टर चूज करोगे, एक चूज करोगे एक्स और दूसरा चूज करोगे -6x, और फिर वही मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, कॉमन लोगे, वही काम पूरा होगा। तो ये मेनली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना प्रोडक्ट सम का, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक का कोई मसला नहीं होगा। बाकी आप 3.4 सॉल्व करना प्रैक्टिस के तौर पे, आपको मेथड और क्लियर हो जाएगा पूरा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है देख लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर को देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 3.2 का टॉपिक है जो इसमें आप कर रहे होते थे। अब आप आ जाओ 3.3 के ऊपर। 3.3 का जो टॉपिक है वो है क्यूबिक, उसको आप कहते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेरे ख्याल में मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, मैं जरा आप लोगों को लिंक सेंड करता हूँ। सही, तो 3.3 का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
जरा देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते क्या है, क्या टॉपिक है, क्या मतलब है इसका। देखो जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है। इसी तरह क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर जो है वो 1/3 है। इसी तरह बोला जाए फोर्थ रूट, फोर्थ रूट का मतलब होगा पावर 1/4 है। अब क्यूब रूट किसका निकालना है, यूनिटी का निकालना है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो क्या होगा 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 1/3, और किसका निकालना है, यूनिटी का निकालना है। तो 1 की पावर 1/3 जो है इसको आप बोलोगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप लेट कर लोगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो बराबर है x के। तो आपने लेट कर लिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये x के बराबर है। उसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर लो, दोनों तरफ क्यूब करोगे, यहां पे क्यूब आ जाएगा और यहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आपने दोनों तरफ क्यूबिंग कर ली। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम नहीं करेंगे, वो आपकी बुक में बकायदा मौजूद है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है किस तरीके से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, एक फैक्टर को रखोगे, फिर दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं लिख देता हूं, एक फैक्टर तो होगा इसका एक्स माइनस वन, फॉर्मूला लगाने के बाद एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो जब आप एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब आप इस पूरी चीज को जीरो रखोगे तो आपके पास एक आएगा आंसर, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ठीक है। और एक और वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ये पूरा प्रोसेस जो है कैसे किया आपने, सिंपल इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ए यहां पे 1 है, बी यहां पे 1 है, सी यहां पे 1 है। तो इस फॉर्मूले में ए बी सी की जगह 1 1 1 पुट कर देना, सॉल्व करना, एक में दरमियान में पॉजिटिव आएगा, एक में दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गए और इस वाले फैक्टर का एक आंसर आ गया। एक और चीज ध्यान में रखना, इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने उसके आंसर आ रहे होते हैं। अब इक्वेशन की डिग्री क्यूब थी तो इसके 3 आंसर आ रहे होंगे। कैलकुलेटर आपको 1 देगा, कैलकुलेटर में अगर आप ये लिखो ना तो कैलकुलेटर आपको जस्ट 1 दे रहा होगा। उसकी रीजन ये कि कैलकुलेटर आपको जस्ट रियल आंसर दे रहा होगा, वो इमेजिनरी नहीं आपको देगा। तो तभी अगर आप इसको देखो तो ये जो इमेजिनरी है ना कॉम्प्लेक्स जो है ये कैलकुलेटर आपको नहीं देगा, कैलकुलेटर आपको बस रियल आंसर दे रहा होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर अगर आपको 1 आंसर दे रहा है तो इस इक्वेशन का 1 रूट है, नहीं, इस इक्वेशन के टोटल 3 रूट है, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने ये 3 निकाल ली है। अब जो इसको हम 2 टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये चलो मैं बाद में बताता हूं, उससे पहले एक और चीज देख लो। अब ये लिखना आपके लिए थोड़ा इजी नहीं है, आप बार बार एक वैल्यू लिखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने अपनी आसानी क्या की हुई है, इसको हमने एक ईजी नाम रखा हुआ है। नाम क्या है कि हम कहते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ना, लेट कर लो ये वैल्यू ओमेगा के बराबर है, लेट ओमेगा इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। आपने कंसीडर कर लिया कि ओमेगा जो है वो बराबर है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, ये जो आयोटा कहां से आएगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल सॉल्व किए हैं। अगर आपके पास लिखा हो ना माइनस थ्री, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर आप उसको सॉल्व किस तरह करते हो, आप ये काम करते हो, आप माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री कर दो, अंदर माइनस थ्री लिखा हुआ था ना, तो माइनस थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री। आपको पता है स्क्वायर रूट माइनस वन ये आयोटा की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह आप लिख दोगे आयोटा, और थ्री का रूट आपको नहीं पता तो आप रूट थ्री लिख दोगे, ठीक है। तो ये रूट जो है ये माइनस वन के ऊपर भी आ रहा था, ये रूट थ्री के ऊपर भी आ रहा था। रूट माइनस वन आयोटा के बराबर होता है और रूट थ्री की आपको वैल्यू नहीं पता तो वो आपने एज इट इज लिख दिया है। भाई पहले ये कर लो, सही है, क्यूब रूट समझ लो, उसके बाद फोर्थ रूट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल पूछा स्ट्रेट अवे रिमूव हो जाओगे, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं पहले उसको तो देख लो, फोर्थ रूट बाद में देखोगे। अब दोबारा ऐसा सवाल आया रिमूव हो जाओगे, फिर मुझे नहीं बोलना क्यों रिमूव किया है, मजाक नहीं चल रहा कि मैं यहां कुछ पढ़ा रहा हूं तुम लोग अपना शुरू हुए वहां पर। थोड़ी देर बाद कोई पूछ लेगा सर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दें, तो जो चीज पढ़ाई जा रही है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सवाल का मौका मिलेगा तब सवाल करना, ठीक है, दोबारा ना मुझे बोलना पड़े। ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास रूट माइनस थ्री आ रहा होगा,
रूट माइनस थ्री के साथ आप ये पूरी हरकत करोगे, उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो आयोटा रूट थ्री आ रहा होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे रूट थ्री आयोटा, इसके पीछे ये पूरी वर्किंग चल रही होगी। खैर दोबारा इस पे आ जाओ, मैंने बताया था कि ये वैल्यू लिखना आपके लिए इजी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई लेट कर लो इस पूरी वैल्यू को ओमेगा के बराबर। तो ये तो पूरा हो गया ओमेगा, अब आप क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली है, दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली चीज एमसीक्यूज की नहीं है, एमसीक्यूज में जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कितने क्यूब रूट होते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड समझ आ जाए कि आया कहां से क्या हो रहा है यहां पे। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने के बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे एंड पे आपके पास ये चीज आ रही होगी माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप इस पूरी वैल्यू को ओमेगा के बराबर लेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के जो कि यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को आपने ओमेगा लेट किया, ठीक है, और जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो तीन है, एक होता है वन, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अब ये काम इजी है बजाय इसके कि आप ये तीन इस तरीके से लिख रहे हो। तो अब दो चीजें होती हैं, मैं दोनों बता रहा हूं कि एक तो आपसे बोला जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दो ही है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो जरा जहन में रखना कि वो आपसे पूछ क्यों रहे, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये जीरो के बराबर होता है, और अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये माइनस वन के बराबर होता है, तो मतलब इनके चेंज हो जाएंगे पूरे। ये आगे मैं अभी बताऊंगा कि जीरो कैसे हो रहा है माइनस वन कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो बेसिक जिस तरह वो सवाल पूछेंगे ना उसमें जरा गौर करना, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर कॉम्प्लेक्स और क्यूब यूनिटी दोबारा बता दें। देखो अगर आपसे बोला जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वो दो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़े ना वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी जरा प्रॉपर्टीज देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी और बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आप सम करोगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। इसी प्रॉपर्टी से आप तीन मजीद बना सकते हो कि वन प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अच्छा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा के बराबर। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन को उधर ले जाओ माइनस वन के बराबर। ये वो चीजें जो अभी मैंने बताई थी, इसको आप वर्डिंग में कैसे बोलोगे, इसको आप वर्डिंग में बोलोगे सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है, माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जिससे मजीद आपने तीन पढ़नी, ये आपको आगे सवाल में काफी काम आएंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लो, दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर आप ओमेगा का रेसिप्रोकल निकालो, ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन ओमेगा, तो ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के। मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल बराबर है ओमेगा स्क्वायर के,
और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल बराबर हो जाएगा ओमेगा के। सबसे पहले आपने निकाला ओमेगा का रेसिप्रोकल, ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, और इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा के। तो वर्डिंग में आप किस तरह बोल सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है जो इसी से बनी हुई है कि अगर आप ओमेगा को वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप ओमेगा का क्यूब करोगे तो वो बराबर हो जाएगा वन के। और चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप जैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, जैसे आपने दूसरी प्रॉपर्टी में देखा था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो चौथी प्रॉपर्टी में है कि एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं। कहने का मतलब, एक तो आपने देख लिया था कि जब आपने ओमेगा का स्क्वायर किया था तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया था। अब देखने में आप कहोगे सर मतलब एक ही बात है, जब ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन इसको आप इस तरह समझो कि आपके पास एक जो रूट आया था माइनस वन प्लस रूट थ्री आया बेटा, उसका जब आपने स्क्वायर किया था तो वो दूसरे के बराबर आ रहा था, ठीक है। और इसी तरह ये आप खुद करके देख लेना कि वो जो नीचे वाला था मतलब माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, जिसको आपने ओमेगा स्क्वायर बोला था, तो ओमेगा स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखना वो ओमेगा के बराबर आ रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ओमेगा का स्क्वायर करो तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, एक दूसरे के ये स्क्वायर्स होते हैं। और यहां से आप एक और चीज बता सकते हो, वो ये कि ओमेगा फोर जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्वियसली आपने ये पहली दफा इतनी डिटेल से पढ़ी होंगी तो इसको जरा गो थ्रू कर लेना, जो जो मैंने बातें बोली हैं उसको जरा गौर से सुनना, समझ आ जाएगी आपको। इन पांचों प्रॉपर्टीज को समझ लेना गौर से। यहां तक कोई सवाल? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि यार ओमेगा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, पता नहीं रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट अच्छा है नहीं, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा का रेसिप्रोकल तो क्या होगा? हाँ, तो ओमेगा का जो रेसिप्रोकल है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, वन अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, समझ आई? नहीं, मैंने ब्रेक का बताया ही नहीं है कुछ, मैंने ये बोला है कि ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तुमने क्या बोला, वन अपॉन ओमेगा, तो मैं यही कह रहा हूं कि ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा का रेसिप्रोकल वन अपॉन ओमेगा वो बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के। और इसी तरह जो ओमेगा स्क्वायर है, अगर मैं बोलूं ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है तो आप बोलोगे वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर होगा ओमेगा के, मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा के बराबर होगा। तीसरी वाली प्रॉपर्टी हमने इससे बनाई हुई है कि ओमेगा को हमने यहां जाके मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई थी, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है उसका कोई और सीन नहीं है। छठी प्रॉपर्टी आप ये कंसीडर कर सकते हो कि जैसे आपने पहली में देखा था कि सम, तो सिक्स में हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब अगर आप तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर किसके बराबर होगा, तो जब भी आप इन तीनों क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा बराबर होगा वन के। करके भी देख सकते हो, वन को ओमेगा से करो ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करो तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जीरो के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन के बराबर। अच्छा जी, और जरा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, ये भी सवाल आपके पास आ सकता है कि जैसे, अच्छा ये आपने बुक में देखा भी, 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर वन है वो इसी से रिलेटेड था, उसमें आपने देखा था कि अगर आपके पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपसे बोला जाए क्यूब रूट निकालो ऑफ 64, तो 64 के क्यूब रूट क्या होंगे, आपको बस ये पता होना चाहिए। यार ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये एमसीक्यूज के सारे पॉइंट, रेसिप्रोकल वाला पॉइंट आ सकता है, सम वाला पॉइंट आ सकता है, ये तो चलो इतना नहीं आता, इसी तरह प्रोडक्ट वाला पॉइंट आ सकता है, अभी जो मैं बता रहा हूं ये पॉइंट आ सकता है,
ये आपको इसी बात समझ आएगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एनईडी के पास पेपर सॉल्व करो, जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ ऑलरेडी मौजूद है, जरा देखो उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं, बाकायदा मैंने सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर। अगर आपसे बोला जाए कि 64 का क्यूब रूट निकालो, तो बस आपने ये काम करना है। वो काम क्या है कि 64 का क्यूब रूट निकालो, अपने कैलकुलेटर में जाना और 64 का क्यूब रूट निकालना, 4 के बराबर आ रहा होगा। तो उस 4 को आप किस तरह लिखोगे, इसके क्यूब रूट क्या हो जाएंगे, 4 ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। कैलकुलेटर में जाके 64 का क्यूब रूट निकालना, 4 आएगा, आप लिखना 4 ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट हो जाएंगे 64 के। इसी तरह लेट कर लो, अगर आपके पास आ जाए क्यूब रूट ऑफ 8 के क्यूब रूट निकालो, तो आप जरा अपने कैलकुलेटर में जाना, 8 का क्यूब रूट निकालना, 8 का क्यूब रूट 2 के बराबर आएगा, तो आप लिखना 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 8 के क्यूब रूट हो जाएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप लोग से मेरा सवाल है, जरा इसका जवाब देना कि अगर आपके पास आए क्यूब रूट ऑफ 125, तो जल्दी से बताओ क्यूब रूट क्या होंगे इसके 125 के। 5 ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब यहां पे अगर मैं -125 कर दूं, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा सबके साथ, ये फर्क पड़ेगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर है तो तीनों के साथ आप पॉजिटिव लिख दोगे। तो ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लो। अच्छा और क्या दे सकते हैं वो, यहां पे एक और पॉइंट लिख लो कि जैसे आपने आयोटा में पढ़ा था ना कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 के बराबर होता है, ओमेगा में 3 कंसेक्यूटिव पावर होती है। एग्जांपल मैं पहले दे देता हूं क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। लेट कर लो ओमेगा 5 लिखा हो, ओमेगा 6 लिखा हो, ओमेगा 7 लिखा हो, तो ये ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर है, तो इन 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम जो है वो बराबर होगा हमेशा 0 के बराबर। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाली, 20, 21, 22 या 250, 251, 252। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। और जनरलाइज फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे, ओमेगा की पावर n प्लस 1 ओमेगा की पावर n प्लस 2। तो 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 के बराबर है, इसको नोट कर लो। और 3 कंसेक्यूटिव पावर का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होगा। जैसे अगर आपके पास आ जाए ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर n प्लस 1 ओमेगा की पावर n प्लस 2, 1 के बराबर होगा। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे आपको यही सवाल दे दिया जाए कि ओमेगा 5 मल्टीप्लाई ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा 7, जो ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर है इसको अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सम करोगे तो 0 आएगा और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, 1 से इधर से देखा होगा आपने कि जब 1 के जो क्यूब रूट थे उसको जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह ये जो 64 है इसके 3 क्यूब रूट है ना, ये वाले, इनको भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट देखना 64 के बराबर आ रहा होगा। 8 के जो ये 3 क्यूब रूट है इनको, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट देखना 8 के बराबर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है जो भी नंबर है उस नंबर के जब आप क्यूब रूट निकालते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो तो उनके प्रोडक्ट का आंसर वही नंबर होता है। जैसे 64 के क्यूब रूट का प्रोडक्ट 64 के बराबर है, ठीक है। ये ऊपर 1 के साथ भी आपने देखा था कि 1 के क्यूब रूट का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट यह है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के क्यूब रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, इज दैट रियल नंबर, वो खुद होता है, ठीक है। और सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ कोई भी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को आप पिक करो उसके क्यूब रूट निकालो, उन क्यूब रूट को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो हमेशा 0 होगा। जैसे आपने 1 के साथ भी देखा था कि 1 के क्यूब रूट का सम 0 है, आप 64 के क्यूब रूट को सम करो तब भी 0 आएगा, आप 8 के जो क्यूब रूट है इनको सम करो तब भी 0 आएगा। तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं। अब ब्रेक देने से पहले आखिरी में एक टॉपिक पढ़ा दूं, और वो ये है कि अगर आपको ओमेगा की पावर निकालनी है तो कैसे निकालोगे। तो ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है,
जैसे पावर्स ऑफ आयोटा था ना, उसमें आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते थे, यहां पे आप ब्रेक करोगे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। जैसे अगर वो आपको बोल दें कि आप मालूम करो ओमेगा की पावर 22, ओमेगा की पावर 22 का आंसर क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि 22 क्या 3 के टेबल में आ रहा है। अगर तो 22 3 के टेबल में आ रहा है तो रिजल्ट 1 के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ओमेगा की पावर में ऐसा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जैसे ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की पावर 21, ये सब जो पावर्स हैं ये 3 के टेबल में आती हैं, तो फिर तो रिजल्ट उसका 1 के बराबर होगा। आप देखो 22 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, आप 22 से नीचे आ जाओ, 21 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो आप इसको इस तरह ब्रेक कर दो, ओमेगा क्यूब की पावर 7, 21 को आप 3 से डिवाइड करो 7 आएगा ना, तो आप इसको लिखो ओमेगा क्यूब की पावर 7, 3 × 7 क्या होता है 21, एक पावर रहेगी है, तो उसको आप यहां पे लिख देना, टोटल 22 पावर है ना, तो 21 पावर आपने यहां पे कवर कर ली, जो एक पावर रहेगी वो आप सामने लिख दोगे। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 7 हो या कुछ भी हो आंसर 1 ही होता है, रिजल्ट में क्या बच जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा 22 जो है वो बराबर हो जाएगा ओमेगा के। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लेट कर लो आपके पास आ जाए ओमेगा की पावर 257, तो जरा इसको देख लेते हैं, मेथड वही रहेगा, आपने सबसे पहले देखना आपके पास तो कैलकुलेटर भी है तो आप लोगों को मसला नहीं होगा कि जो 257 है क्या ये 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता, नीचे आ जाओ 256 आता है, 256 भी नहीं आता, फिर नीचे आ जाओ 255 और 255 डेफिनेटली 3 के टेबल में आता है, तो आप क्या करना, आप अपने कैलकुलेटर में 255 को 3 से डिवाइड करना, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा होगा 85। आप इसको लिखना ओमेगा क्यूब की पावर 85, तो जब आप 3 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो 255 पावर कवर हो गई है, टोटल कितनी थी 257, मतलब दो पावर रहती हैं, तो आप इसके साथ दो पावर लिख देना। तो सबसे पहले क्या करोगे, पावर देखोगे, अगर 3 के टेबल में नहीं आ रही नीचे आ जाओ, जो पावर 3 के टेबल में आएगी उसको 3 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इस तरह लिख देना। अब 255 तो आपने यहां पे कवर कर लिया, दो पावर रह गई है, 257 कर रहा है ना आप टोटल, तो दो जो है मैंने सामने लिख दिया। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 85 भी 1, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा, तो ओमेगा की कोई भी पावर आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, ठीक है, कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। अच्छा 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिए, वो तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो और सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आपसे मांगेंगे नहीं वो। एक मिनट रुक जा भाई, बताने दे, मैं बस पूछ लूंगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके आपके पास टोटल 8 पार्ट है, तो 3.3 में आपको और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट है ना इनको सही तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ये ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जा रहे होते हैं, जैसे आपके पास पार्ट 5 लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16, यहां तो प्रूफ वाले आते हैं ना, एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, एग्जाम में ही आ जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16 किसके बराबर होती है, तो किस तरह निकालोगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सही तरीके से सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करवाऊंगा, टाइम हमारा लगेगा, टाइम हमारे पास कम है, तो ये मैंने अपने चैनल पे भी सॉल्व करवाया हुआ है, अगर आपको कहीं और से सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मेरी वीडियो जाके देख लो, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके पूरे 8 पार्ट जो है सॉल्व कर लो, इससे आपके सारे एमसीक्यूज निकल जाएंगे, और बाकी आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो जो रह सारे एमसीक्यूज हैं वो आपके कवर हो जाएंगे 3.3 से। अब आपकी बुक में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो टॉपिक मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा उसको टच दे दूंगा, बेसिक बातें बता दूंगा क्या होता है वो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हमारी सारी डिस्कशन खत्म हो गई है, सब मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, प्रैक्टिस इन सब पॉइंट्स की भी मैंने आप लोगों को करवा दी है, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं टोटल 8 पार्ट हैं इनको सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप पूछो सवाल। जो नंबर है उसके क्यूब रूट का प्रोडक्ट उसी के बराबर होगा। अच्छा मुझे बताओ 8 के जो क्यूब रूट है इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 8 होगा सर। बस यही है,
कोई और सवाल? सर ये एंड में जो एग्जांपल का आई है ओमेगा स्क्वायर को वन अपन ओमेगा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपने देखा था ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है वन अपन ओमेगा के, लिख सकते हो बिल्कुल। ये आपने ऑप्शन देखना है, बल्कि अच्छा सवाल है। अगर ऑप्शन में ओमेगा स्क्वायर ना मौजूद हुआ तो क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है वन अपन ओमेगा के, तो ऑप्शन में वन अपन ओमेगा मौजूद होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप आंसर दोगे, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करता एनआईटी में आपको। मतलब एमसीक्यूज को तो आप डिफरेंट तरीके से घुमा सकते हो, लेकिन एनआईटी में इतना घुमाते नहीं है। ज्यादातर ओमेगा स्क्वायर ही लिखा होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि वन अपॉन ओमेगा लिखा हो, दोनों आंसर ठीक होंगे।